हेलो भाई दोस्तों, मैं हूँ अनीस और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो हम खेलेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ से ये मेरी सेटिंग देख सकते हो। तो इस तरह की आप लोगों को सेटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। जैसे प्ले पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्रिएट कर लेना है। और एक यहाँ पे आप एक वर्ल्ड बना सकते हो। ठीक है, सिंपली आप अपना वर्ल्ड का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं माई लिख के इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद क्रिएट वर्ल्ड जैसे हम करते हैं तो हमारा वर्ल्ड अभी क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग बोनस चेस्ट लेके खेल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बोनस चेस्ट नहीं ले रहा। और जैसे आप वर्ल्ड पे स्पॉन होते हो तो सबसे पहला टास्क होता है अपना शिप ढूंढना, यानी भेड़ ढूंढना। और उसके साथ ही आप लोगों को ढूंढने होंगे थोड़े से वुड। तो वुड मिलेंगे हमें पेड़ काटने से। तो चलिए सबसे पहले हम पेड़ काट लेते हैं। और यहाँ पे बेड बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नाइट हो गई तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स आ जाएंगे और आप लोगों का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। वो आपको ऑब्वियसली यार किल कर ही देंगे, क्योंकि अभी अपने पास लेवल 1 पे हैं हम अभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट वुड ले लेता हूँ। और वुड हमें सबसे पहले 25 के समथिंग काट लेने। 25 या 20 आप लोगों के पास होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मेरे को यहाँ पे वुड प्लैंक मिल रहे हैं, तो मैं इनको वुड काट कर लेता हूँ। और भी उसके बाद हम शिप ढूंढेंगे। अगर हमें शिप नहीं मिलती है, मतलब भेड़ नहीं मिलेगी, तो भाई अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप लोगों के पास शिप नहीं मिलती है और शिप से हमें मिलता है ऊन, ऊन बोले तो कॉटन, ठीक है, और उससे हम बेड बना सकते हैं। तो अगर आप बेड ना बनाओ तो आप लोगों को चारकोल कलेक्ट करना होगा। और चारकोल से आप लोग लाइट स्टिक बना सकते हो, ठीक है, मसाल बना सकते हो। और मसाल से आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप मसाइल अपने आसपास रखोगे तो ज़ॉम्बी और मॉब्स आपके पास स्पॉन नहीं होते। तो मैं फटाफट यहाँ पे वुड ले लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे अभी 13 वुड्स हो गई है, 14 हो गई है, ठीक है। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये माइनक्राफ्ट का सबसे फर्स्ट स्टेप है। और मेरे को यहाँ पे एक शिप दिख गई, तो हम यहाँ पे शिप को किल कर देंगे। यहाँ से हमको दो चीज़ मिलेगी, एक तो शिप से ऊन मिल जाएगी, ठीक है, कॉटन, और दूसरा इसका मीट। तो मेरे पास दो एक और शिप आ गई, मैंने इसको भी यहाँ पे किल कर दिया। गाइस यहाँ पे एक शिप और चाहिए, तो हमें तीन भेड़ मारनी होंगे। यहाँ पे तीन भेड़, एक भेड़ ये सामने है लेकिन ब्लैक कलर की है, तो इससे हमारा जो कि बेड नहीं बन पाएगा। तो मुझे फटाफट ढूंढनी पड़ेगी। अगर रात हो गई तो भाई मॉब्स आ जाएंगे और मेरा यहाँ पे कल्याण कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और मैं चाहता हूँ कि इस गेम को मैं एक बार भी किल ना हो और इस तरह से खेलूँ। और जो भी स्टेप बाय स्टेप होगा वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। और उसके बाद हम गांव ढूंढेंगे, एक विलेज, और वो तो काफ़ी बाद की बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें एक भेड़ और चाहिए। तो मैंने थोड़ा अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लिया यहाँ पे मोबाइल का। तो थोड़े से मैं वुड और काट लूँ कि नहीं, अभी मैं वुड नहीं काटूँगा। सबसे अभी मेन टारगेट अपना शिप ढूंढना। अगर शिप ढूंढ लिया तो यूँ सोच लीजिए हमने अपना पहला पड़ाव यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो मुझे गाय यहाँ पे शिप तो नहीं दिख रही है। तो अगर यहाँ पे मैं थोड़े से पत्थर, कोबल स्टोन बोलते हैं जिसको, वो ले लूँ तो उसे एक फर्निश बना लूँगा। और इन लकड़ियों को जला कर चारकोल कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं चल तब तक वीडियो पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे केब है। केब पे हम यहाँ पे थोड़े से कोबल स्टोन ले सकते हैं। तो मैं कैसे वुड से ले सकता हूँ देख लेता हूँ एक बार। तो नहीं आया, तो उसके लिए मुझे अभी क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी। और अभी रात होने वाली है, तो चलो फटाफट हम यहाँ सबसे पहले जो वुड प्लैंक कलेक्ट किए थे उसके तरह हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और हमने चार और एक ही हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल गई। क्राफ्टिंग टेबल से हमें बनानी होगी वुड की पिकेक्स। वुड की पिकेक्स यहाँ पे कहाँ गई, तो उसके लिए मुझे स्टिक चाहिए। स्टिक बनाने के लिए कुछ इस तरह की रेसिपी आप लोग देख सकते हो। और अब हमें यहाँ पे वुड बनानी होगी, सॉरी वुड कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक हो बना लेता हूँ। हो से हम इन पत्थरों को कलेक्ट कर सकते हैं। अरे मेरी कहाँ गई चेस्ट, कहाँ गई? तो मैंने यहाँ पे एक तलवार बनाई है, लकड़ी की तलवार, जिससे मॉब्स को किल कर देंगे। और अब क्या दिक्कत आ रही है इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया इसको? अच्छा, ये गाइस ये रही मेरे पास मेरी हो। तो अब मैं हो ले लेता हूँ हाथ में और फटाफट
थोड़े से कोबल स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम मसाल बना लें, क्योंकि शिप तो पता नहीं मिले ना मिले। और वो काफ़ी देर तक मैंने एक शिप ढूंढी क्योंकि मैंने दो शिप को तो किल कर दिया था और मुझे एक शिप और चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रही है। मैं इसको यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी यहाँ पर तोड़ लेता हूँ और इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से और कोबल स्टोन ले लेता हूँ ताकि हम अपनी रात गुजारने के लिए स्टिक्स वगैरह बना ले, मसाल्स वगैरह बना ले। तो कोबल स्टोन से हम फर्निश बनाएंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे तीन चार थोड़े से ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा यहाँ से, ज़्यादा लालच अच्छी नहीं है। वैसे केप है, केप में आसपास में मॉब होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ गाइस। तो मुझे यहाँ पे मेरे को दिख गई गाइस फाइनली एक यहाँ पे एक और शिप दिख गई और मैंने इसको भी यहाँ पे किल कर लिया। और किल करने के बाद अब हम अपनी यहाँ सबसे पहले बेड बनाएंगे। अगर बेड बन गया तो भाई समझो अपना पहला पड़ाव यहाँ पे पार हो गया। मैं यहाँ पे सिंपली ये रखी मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल जैसे ही करता हूँ इस पर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और अब हम यहाँ पे जाएंगे बेड पे। तो बेड बनाने के लिए देखिए मुझे अभी वुड प्लैंक चाहिए, तो वुड प्लैंक मेरे पास है जो कि हम बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो वुड प्लैंक बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बेड मिल गया। ठीक है, और अब हमें अपनी बेड को कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम अपना बेड लगा देते हैं और ये हमने अपना रीसेट पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब गाइस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए मैं यहाँ फर्निश बना लेता हूँ। फर्निश के लिए जैसे कि मैंने कोबल स्टोन कलेक्ट किए थे अपने, हम फर्निश को यहाँ पर रख देते हैं और थोड़े से यहाँ पर चारकोल बना लेते हैं। चारकोल से हम लाइट बनाएंगे क्योंकि लाइट में मॉब स्पॉन नहीं होते। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ इस तरह से दो प्लैंक रखने, और ये देखिए चारकोल बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं चारकोल बनने देता हूँ, तो देखते हैं गाइस यहाँ पे कितना चारकोल। तो मेरे को यहाँ पे तीन चारकोल बन गया और भी बन रहा है, तो हम इसको बनने देते हैं यहाँ पर। तो मैं फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर। और क्राफ्टिंग टेबल पर जाने के बाद हम अपनी लाइट बनाने वाले हैं। इस मेरे पास काफ़ी सारा ये देखिए और भी यहाँ पे चारकोल आ चुका है। तो मेरे पास चार चारकोल आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपना खाना भी पका लूँ। तो मैंने जो शिप किल की थी तो उससे मुझे मिला है देखिए यहाँ पे सिक्स मीट, और इसके नीचे मैं रखूँगा एक चारकोल। और ये चारकोल रखने से मीट पक जाएगा और मुझे यहाँ पर खाना भी मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पर, तीन रखते हैं तो काफ़ी है इतना। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्टिक बनाएंगे जो कि लाइट के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप ऊपर चारकोल और नीचे स्टिक रखोगे तो यहाँ पे मेरे को चार लाइट मिल गई हैं। तो अब इन चार लाइटों को आप अपने आसपास यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो जिससे आपके आसपास मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इनको, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे लगा देता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट हम एक बनाएंगे बोट, और बोट पानी के रास्ते होते हुए हम एक गांव को ढूंढेंगे। और गांव ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक विलेज ढूंढ लेते हो तो आपका 50% काम कंप्लीट होगा। और ये देखिए मेरा यहाँ पे मीट कुक हो चुका है और भी मीट बन रहा है, तो इसको बनने देता हूँ। और धीरे धीरे अभी शाम होती जा रही है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या क्या बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर, तो अब मेरे को यहाँ पर एक बार इसको ओपन कर दें यहाँ पर। तो मैं अपना मीट कलेक्ट कर लिया, तो जैसे भूख लगेगी तो हम इसको खा लेंगे। और अब मैं यहाँ पे हो ले लेता हूँ, और अब यहाँ से हम थोड़ी सी और माइनिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे माइनिंग के लिए सबसे पहले कोबल स्टोन इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि कोबल स्टोन से भी हम और भी काफ़ी चीज़ें सारी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से माइनिंग करो, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मैं इसलिए फटाफट इस तरह की माइनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि इस तरह की अगर आप माइनिंग करते हो तो आप उसमें फंस सकते हो और निकल नहीं पाओगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो ये मिट्टी होती है ये भी टूट टूट के अपने ऊपर गिर जाती है। ये देखिए मेरे पास डर्ट है, मैं एक बार जंप करता हूँ, एक डर्ट को यहाँ पे रखता हूँ, एक जंप को, और इस तरह से देखिए मैं बाहर आ गया और रात हो रही है। तो वेल अभी हम क्या करते हैं, फटाफट अपने बेड पर चलते हैं और सुबह कर लेते हैं। आपके पास अगर बेड होगा तो फटाफट दिन को देखिए, अभी सूरज ढल रहा है ये देखिए यहाँ पर, तो अभी हम फटाफट दिन कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से सूरज नहीं ढला है तो इसको ढल जाने देते हैं, और उसके बाद हम फटाफट यहाँ पे सो जाएंगे। और जैसे सोंगे उससे सुबह हो जाएगी और हमें मॉब्स वगैरह किल नहीं कर पाएंगे। भाई जल्दी से ढल जाना, अभी क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है क्या? तो इस साइड से मून निकल रहा है। और ये देखिए गाइस हम यहाँ पे सो गए, जैसे ही हम सोएंगे तो यहाँ पर लाइट गायब हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर सूरज निकल आया है। तो अब हम यहाँ पर अपने पिकेक्स लेते हैं और क्या करेंगे, अपनी मसाल वसाल को सबको उठा लेते हैं। और अब हम यहाँ से छोड़ के किसी और जगह पे जाएंगे और हम एक विलेज ढूंढेंगे। ठीक है, तो
अभी विलेज हो सकता है कि मेरे को 1 मिनट में मिल जाए, 2 मिनट में मिल जाए, या विलेज ढूंढने के लिए 2 दिन लग जाए, कोई मतलब डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो विलेज होते हैं वो रेंडमली स्पॉन होते हैं। लेकिन एक ट्रिक है, अगर आप पानी के रास्ते रास्ते किसी एक लोकेशन पे जाओगे तो आप लोगों को विलेज मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को पानी वाले रास्ते पे जाना है। तो मैं अपने इस फर्निस को भी यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, इसको भी ले लेते हैं, और इसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर है उठाएंगे और किसी गांव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इन लाइटों को भी ले लेता हूँ, इन मसालों को भी उखाड़ लेते हैं, आगे काम आएंगे। ठीक है, मैं ये भी ले लेता हूँ, एक यहाँ पे लगाइए, मैं इसको भी ले लेता हूँ यहाँ से। और अब हम एक बोट बनाने वाले हैं ताकि हम पानी के रास्ते होते हुए किसी गांव तक पहुंच जाए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शायद मेरे को गाइस सामने एक गांव दिख रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं ये गांव है कि क्या है। सो गाइस, यहाँ पे गांव नहीं है, शायद मेरे साथ धोखा हो गया। यहाँ पे ये केब है, केब के अंदर से मैं थोड़े से और कोबल स्टोन यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे माइनिंग की, थोड़े से और कोबल स्टोन ले लेते हैं और उसके बाद हम गांव ढूंढने चलेंगे। तो थोड़े से ले लेता हूँ फटाफट। और हम केब के अंदर अभी पूरी तरह से तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि हम ऊपर आने के लिए अपना वो बना सके सीढ़ियों जैसा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से और कोबल स्टोन ले लेते हैं। और यहाँ पे उसके बाद, क्योंकि कोबल स्टोन से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो मैंने आप लोगों को बताया फर्निश बना सकते हो खाना पकाने के लिए, सेकंड चीज़ आप लोग जैसे कि अभी मेरे पास ये औजार हैं, ठीक है, टूल्स हैं, ये लकड़ी के बनाए हुए हैं, तो हम अपने जो पिकेक्स है, हो है, सॉल्ट है, वो सब है ना, आप लोग पत्थर के बना सकते हो। पत्थर की काफ़ी मजबूत होती है लकड़ी से, लकड़ी की जल्दी टूट जाती है। और आप लकड़ी की पिकेक्स को या फिर लकड़ी से बनाए हुए किसी भी टूल को कहीं पर भी यूज़ करते हो तो उसका 3 का अटैक होता है, मतलब अटैक डैमेज 3 का होता है। लेकिन अगर आप इसकी स्टोन की यूज़ करोगे तो उसका डैमेज 6 का होगा। तो मैं यहाँ पे रिसेट पॉइंट कर लेता हूँ ताकि अगर हमें कोई मार दे तो हम यहीं पे वापस स्पॉन हो जाए, और हमारा जो भी मारने के बाद जो भी हमारी आइटम बिखर जाती है वो हमें यहीं की यहीं मिल जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फटाफट ले लेता हूँ इनको, और सोचता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से अगर आयरन मेरे को मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि आयरन किस तरह का होता है। तो मैं इसके नीचे जाने के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या करें, चले कि नहीं चले। लेकिन ये केब कितनी गहरी है और इसके अंदर गाइस ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो नीचे था वो, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे कोयला है, ठीक है, कोल है, ठीक है, और ये जलने में काफ़ी बढ़िया होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया तो मैं इनको तोड़ता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे को कोल मिल गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि कोल से आप लोग जो भी रॉ मटेरियल कलेक्ट करोगे, जैसे कि एक कच्चा आयरन हो गया, ठीक है, रॉ आयरन हो गया, तो उसको आप फर्निश के द्वारा पकाकर मजबूत बनाने के लिए उसको फर्निश पर रखोगे, और जो ईंधन के रूप में हम यहाँ पे कोयला का यूज़ करेंगे। तो आप लोग कोयला मिले तो वो भी कलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर कोयला ना हो स्टार्टिंग में तो आप लोग चारकोल बनाते हो। तो चारकोल बनाने की जैसे कि मैंने आप लोगों को रेसिपी बनाई, लकड़ी के एक प्लैंक को ऊपर रखना है, एक को नीचे, और वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ से फटाफट जितना भी है कोयला मिल रहा है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और ज़्यादा लालच वैसे अच्छी नहीं है, वैसे यहाँ पे केब है, कभी मॉब्स वगैरह आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखिए, अभी मेरी ये टूट गई यहाँ पे, तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपकी बार स्टोन की बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे, और ऊपर मेरे को जाना पड़ेगा एक बार, तो अब ऊपर कैसे चढ़ें, तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, एक डर्ट रखेंगे, डर्ट के ऊपर सिंपली चढ़ेंगे। और यहाँ पे गलत आ गया, इसको मैं तोड़ता हूँ यहाँ से, यहाँ पे रखेंगे और एक बार जंप करेंगे और एक ब्लॉक रखेंगे, एक बार जंप करेंगे, एक बार ब्लॉक रखेंगे, एक बार जंप करेंगे, एक बार ब्लॉक रखेंगे, और इसी तरह से आप लोग कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो। तो हमारा बेड इस तरफ है शायद, यहाँ से चलते हैं, वो भाई नीचे मत गिरना। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पत्थर के अभी अपने औजार बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली अपनी क्राफ्टिंग टेबल को निकालना होगा यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल। तो मेरे पास देखिए 22 यहाँ पे कोबल स्टोन है, तो आप लोग इस चीज़ को इनेबल कर दें यहाँ पे। और उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हम अपने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा लेते हैं, और यहाँ से ये रिका गई मेरी क्राफ्टिंग टेबल।
तो ये क्राफ्टिंग टेबल आपके चेस्ट में होती है जो कि नीचे की साइड होती है, ठीक है। अरे भाई क्राफ्टिंग टेबल लगाना, तो अभी फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा लेते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल लगाने के बाद यहाँ पे ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये है पत्थर की, ठीक है, स्टोन पिकेक्स। तो स्टोन पिकेक्स का 6 का डैमेज है, सॉरी 3 का डैमेज दिखा रहा है, तो 3 का डैमेज है, तो आयरन की का 6 का होगा। तो मैं इसको यहाँ से फटाफट अपनी पहले तो इसको तोड़ लेता हूँ, ठीक है। तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे बेड को भी तोड़ लेते हैं, और अब यहाँ से हम निकल लेते हैं, क्योंकि रात होने से पहले पहले हम यहाँ से निकल लेना है और गांव ढूंढना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 15 चारकोल भी मिल गए, 15 चारकोल है, सॉरी चारकोल बोल रहा हूँ, ये कोयला है, ठीक है। तो मेरे को उस कैब में से कोयला मिल गया, और ओबियसली मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक कैब जैसा बना लूँ, ताकि आज की रात हम यहीं पे निकाल लें। तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, और मेरे को यहाँ पे कोबल स्टोन भी मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि नाइट हो चुकी है, और यहाँ पे अगर नाइट में अगर बाहर रह गए तो भाई वही बात है, मॉब्स वगैरह हमें मार देंगे। तो मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, यहाँ पे कोबल स्टोन रखेंगे, और एक दरवाज़ा मेरे को चाहिए शायद, तो हम एक दरवाज़ा बनाएंगे छोटा सा। तो फटाफट यहाँ पे चलते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं अपना ये रख लेता हूँ, और यहाँ पे पत्थर रख लिए, और मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे फिल लाइट लगा देते हैं, चलिए पहले यहाँ पे, या फिर पत्थर रखूँ, आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं पत्थर रख देता हूँ, पहले इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ से लाइट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पत्थर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आत्मघाती हमलावर काफ़ी सारे घूमते हैं साले, उड़ा देंगे सब कुछ, तो पत्थर का होगा तो उड़ेगा नहीं। तो एक मैं इस तरह से बना लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ओबियसली मेरे को ये देखिए यहाँ पे रहने के लिए, तो यहाँ पे गेट डोर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि डोर से कोई अंदर ना आ सके। तो मैं सबसे पहले लाइट का जुगाड़ लगा देता हूँ, यहाँ पे एक लाइट यहाँ लगाएंगे, और कल यहाँ से हम निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे अपना जो भी होगा। तो आज की रात हम यहीं पे निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्राफ्टिंग टेबल ले लेंगे, और क्राफ्ट, अरे लाइट नहीं लगानी रे भैया, क्राफ्टिंग टेबल लगाना है अपने को। तोड़ो इसको, तो हम इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, और लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल लगाने के बाद हम बनाएंगे डोर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मेरे को रेसिपी तो पता नहीं है डोर की, लेकिन एक बार सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, अगर कहीं डोर होगा तो। यहाँ पे तो कोई डोर है नहीं, तो यहाँ पे डोर, यहाँ पे भी डोर नहीं है, तो सर्च के ऑप्शन पे जाने का, और आप लोगों को यहाँ पे ऑल पे इसको इनेबल करके यहाँ पे डोर लिखेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे डोर आ गया, तो डोर की रेसिपी आप लोगों की साइड पे आ गई, सिंपली मैंने डोर पे किया, तो मेरे को यहाँ पे मिले 3 डोर। तो 3 डोर के लिए देखिए यहाँ पे हम एक डोर लगा देते हैं, अब लगा यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए गाइस, अपने पास एक डोर बन गया, और हम इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ और खोदेंगे, और ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ अपना एक बेड, बेड भी लगा देते हैं यहीं पे, और अपना रीसेट पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जहाँ पे आपका बेड होता है तब आप रिस्पॉन वहीं पे होता है, अगर आप लोगों को कोई मॉब्स मार देता है तो आप लोग फिर से वहीं पर रिस्पॉन होंगे जहाँ पे आपका बेड होगा। तो यहाँ से ये देखिए नीचे तो ये मिट्टी है, तो मैं यहाँ पे अपना बेड लगा देता हूँ यहाँ पे फटाफट। तो मैं यहाँ पे इसको देखिए, ये हमारा रीसेट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सपोज़ कीजिए आपका बेड यहाँ पे और आप किसी और जगह पे किल हो गए, किसी मॉब ने आपको मार दिया, तो आप लोग रिटर्न आपका जहाँ पे बेड होता है वहीं पे स्पॉन हो गए, ठीक है, किसी रेंडम लोकेशन पे स्पॉन नहीं हो गए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट बना लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 6 लाइट हो गई टॉर्चेस। और यहाँ पे टॉर्चेस बनाने के लिए सबसे पहले अपने के पास ये वुड चाहिए, वुड की हम बनाएंगे स्टिक। तो जैसे हम यहाँ पे बेड वाले पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को स्टिक मिल जाएगी देखने के लिए। तो हम यहाँ पे 16:16 बना, और इस तरह से इसकी रेसिपी होती है, देखिए हम यहाँ पे टॉर्च बना रहे हैं। तो मेरे पास 30, 70 और काफ़ी सारी टॉर्च हो गई रे भाई, 50। तो जितनी ज़्यादा टॉर्च हो उतनी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंधेरा में मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं, और टॉर्च मतलब थोड़े से सामान में ज़्यादा टॉर्च मिल रही है, तो फिर क्यों ना बनाएं। तो अब ओबियसली हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं एक बार लेडर। तो लेडर बनाने के लिए मेरे को काफ़ी सारी स्टिक चाहिए, जो कि मेरे पास अभी स्टिक नहीं है, तो
तो स्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बेड वाले पे क्लिक कर सकते हो, और उसके लिए हमें काफ़ी सारे वुडन प्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से सिक्स स्टिक की रेसिपी है। तो मैं सबसे पहले वुडन प्लैंक बना लेता हूँ, और यहाँ से क्या करेंगे, एक 10 स्टिक आ गई। और जैसे 10 स्टिक आई, तो ये देखिए मेरे पास एक लेडर आ गई। लेडर से हम कहीं भी चढ़ उतर सकते हैं, किसी केब में लगा सकते हैं, और हम इसे आराम से इजीली चढ़ उतर सकते हैं। तो वेल गाइस, एक बार मैं आप लोगों को चलिए बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पे नाइट में किस तरह के मॉब्स वगैरह होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए बाहर आ गया गाइस, आप एक सामने देख रहे हो वो एक क्रीपर, और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो वो जहाँ भी ब्लास्ट होता है वो गड्ढा खोद देता है। थोड़ा सा मैं चलिए बाहर आप लोगों को यहाँ पर निकल के दिखाता हूँ, और देखते हैं यहाँ पे मॉब्स वगैरह किस तरह के। अभी मैं इनको मार तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर ये मेरे को मार देंगे तो खेल ख़त्म हो जाएगा अपना। तो ऑब्वियसली अभी अपने को इन मॉब्स वगैरह से पंगे नहीं लेने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डोर को कर देता हूँ क्लोज, और सुबह होने का करते हैं इंतज़ार। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सारा अपना ये सामान वामान उठा कर किसी दूसरी जगह पर, मतलब गाँव या विलेज ढूंढेंगे।